हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं महात्मा गांधी के पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके जीवन के बारे में बात करूं, मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि यदि जिंदगी में आपको वक्त मिले, मौका मिले और अभिरुचि हो पढ़ने की, तो आप दो व्यक्तियों को जरूर पढ़िएगा। एक तो कार्ल मार्क्स और दूसरे महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि ये दोनों केवल व्यक्ति नहीं है, ये विचार है, ये संस्थान है, और मैं कहूंगा कि ये दो विकल्प हैं जो समाज के सामने हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। कार्ल मार्क्स कहता है कि यह रास्ता है क्रांति का, और गांधी कहते हैं कि नहीं, क्रांति नहीं, शांति। तो पढ़िएगा जरूर। अब हम आते हैं महात्मा गांधी के बारे में। ये बेसिक कुछ बातें हैं जिसको आप जानते हैं, बस उसको मैं दोहरा दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, कहां? पोरबंदर में, गांधी परिवार। यह गांधी परिवार शुरू में पंसारी का काम करता था, यानी खाने पीने की वस्तुएं बेच करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन है ना, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और कोई ऐसा आता है जिससे पूरा का पूरा परिवार बदल जाता है। तो ऐसे ही थे एक उत्तम चंद गांधी। उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के जो शासक थे उनके ये दीवान बने। बाद में वे जूनागढ़ भी जाते हैं, क्योंकि राणा से कुछ खटपट हो गई तो ये जूनागढ़ चले जाते हैं, लेकिन दीवान बने। और उनके बाद उनके बेटे करमचंद गांधी भी दीवान बने, और महात्मा गांधी इन्हीं करमचंद गांधी के क्या हैं, सबसे छोटे पुत्र। इनकी माता का नाम पुतली बाई, और महात्मा गांधी की शादी हुई थी कस्तूरबाई से, जिनको हम कस्तूरबा भी कहते हैं। कस्तूरबा और महात्मा गांधी की 4 संतानें हुई, और इनके नाम ये हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। मैं कभी विचार करता हूं कि इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, ये केवल आप बेसिक जानकारी है जिसको जान लीजिए। तो ये तो इनकी पृष्ठभूमि रही, यानी एक आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी एक बड़े ही समृद्ध परिवार से थे। क्यों? क्योंकि इनके दादा और इनके पिता दोनों ही क्या थे, दीवान के रूप में काम कर चुके थे। इनके पिता तो यहां बीकानेर के भी कुछ दिन दीवान रहे। अब आते हैं इनकी शिक्षा। महात्मा गांधी को आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं थे पढ़ने में, लेकिन हां इतने कमजोर भी नहीं थे कि ये फेल हो जाए। तो ये पढ़ते रहे स्थानीय स्तर पे राजकोट में, और पढ़ते पढ़ते इन्होंने 1887 में क्या किया, हाई स्कूल कर लिया, मैट्रिक कर लिया। अब मैट्रिक करने के बाद बीए करने के लिए इनके पास दो विकल्प थे। एक तो ये कि ये जाते मुंबई, और दूसरा विकल्प ये था कि आज जो गुजरात था, उस समय गुजरात नहीं था, वो मुंबई बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। तो दूसरा विकल्प था जो वर्तमान गुजरात है उसमें भावनगर। तो ये चूंकि वो नजदीक था, तो ये आते हैं सामलदास कॉलेज में, जो कि कहां है, कहां था, भावनगर में था, वहां ये बीए में एडमिशन लेते हैं। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं अपनी जीवनी में, अपनी आत्मकथा में, कि मुझे यह न तो कॉलेज पसंद आता था, ना यहां की पढ़ाई पसंद आती थी, और ना यहाँ के टीचर पसंद आते थे। कारण क्या था भगवान जाने, क्योंकि यह बहुत ही फेमस कॉलेज था, और गांधी खुद कहते हैं कि इनके जो अध्यापक थे ये प्रथम पंक्ति के थे, यानी बहुत अच्छे थे, लेकिन इनको यहाँ की पढ़ाई रास नहीं आई। फिर भी पहला सत्र पूरा करने के बाद ये पहुंचते हैं फिर राजकोट, जहां इनकी फैमिली थी। एक दिन हुआ ये, जब ये सत्र के बाद वहां थे, तो इनके एक पारिवारिक मित्र थे मावजी दवे साहब,
जिनको ये लोग क्या बोलते थे, जोशी। तो दवे साहब आते हैं और बातचीत में पता चलता है कि मोहनदास कहां अध्ययन कर रहे हैं, श्यामलदास कॉलेज में बीए कर रहे हैं। तो दवे साहब ये कहते हैं कि देखो ऐसा करो कि बीए मत करो और तुम विलायत चले जाओ बैरिस्टर की पढ़ाई करने। लॉजिक उनकी क्या थी, लॉजिक ये थी कि जब बैरिस्टर बनकर के आओगे तो जो पारिवारिक परंपरा है उत्तम चंद गांधी करमचंद गांधी की, तो तुम भी पोरबंदर के या राजकोट के या कहीं भी दीवान बन सकते हो। ये चीज गांधी को पसंद आती है। पसंद इसलिए आती है कि कहीं ना कहीं वे इस सामंत कॉलेज से मुक्ति चाहते थे, तो वे तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और प्रयासों के बाद, पैसे की व्यवस्था करने के बाद 1888 को ये कहां चले जाते हैं, विलायत चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लैंड। और वहां जाकर के लंदन में ये बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। 3 साल का वह कोर्स था और इसलिए 1891 में ये वहां बैरिस्टर बन जाते हैं और 12 जून को ये वहां से भारत के लिए वापस लौटते हैं। तो 3 साल की पढ़ाई ये पूरी करके बैरिस्टर बन करके 10 तारीख को इनको डिग्री मिल गई थी और 12 जून को ये भारत के लिए वापस आ जाते हैं। लेकिन यहां आने के बाद उस दिन तो 4-5 महीने तो बड़े ठाट से गुजरे, विलायत से लड़का पढ़ करके आया है, बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन जल्दी ही समस्या उत्पन्न हुई नौकरी की, रोजी और रोटी की। तो अब हम देखते हैं कि आगे गांधी का जीवन संघर्ष कैसा था, वकालत में ये क्या कर पाते हैं, क्या इनके सामने समस्याएं आती हैं। परिवार की सहमति और दोस्तों की राय को अमल में लाते हुए गांधी वकालत के लिए जाते हैं, कहां, बंबई। लेकिन बंबई का अनुभव इनके लिए अच्छा नहीं रहा, इनको वहां कोई काम नहीं मिल रहा था। और एक जो काम मिला, मम्मी बाई का मुकदमा जो लोअर कोर्ट में था, उसमें जब ये बहस करने के लिए जाते हैं तो इनके पांव कांप रहे होते हैं, ये घबराहट इनको होती है कि कैसे मैं बहस करूंगा। और इसका कारण मित्र ये है कि इनकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी, लंदन से पढ़ाई थी, लेकिन गांधी जी स्वभाव से शर्मिले, लोगों की भीड़ से बचना चाहते थे, अलग बातें, बाद में पूरा राष्ट्रीय आंदोलन इनके हाथों में आ गया। तो ये लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि जब मैं बहस के लिए गया, खड़ा हुआ, तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर ये वहां से भागा है। तो वह मुकदमे की ये हालत हुई। बाद में इन्होंने छोटे मोटे अर्जी दावे लिखने का काम शुरू किया और थोड़ी बहुत आमदनी इनको होने लगी, लेकिन इससे काम नहीं चल सका। तो इन्होंने एक दिन विज्ञापन एक देखा और विज्ञापन था स्कूल में इंग्लिश टीचर का। इन्होंने सोचा कि वकालत चल नहीं रही है, मैं टीचिंग अच्छी कर सकता हूं, तो ये स्कूल में गए। इनको उम्मीद थी कि यह मिल जाएगा, लेकिन वहां पहुंचे तो मैनेजमेंट ने यह कहा कि पढ़ाने के लिए बीए होना जरूरी है, ग्रेजुएशन जरूरी है। इन्होंने कहा कि मैंने लंदन से भी मैट्रिकुलेशन किया है, यहां भी मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपका बीए होना जरूरी है। चूंकि इनके पास वो डिग्री नहीं थी, जानते तो ये अंग्रेजी भी थे, फ्रेंच भी थे, लैटिन भी थे, जो इन्होंने लंदन में पढ़ा था, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिली। तो अंत में ये तय हुआ कि अब वहां का खर्च उठाया नहीं जा सकता, तो आप वापस आइए राजकोट, क्योंकि राजकोट में इनके बड़े भाई प्रैक्टिस करते थे, उनका परिचय था। तो ये हुआ कि दावा अर्जी लिखने का काम तो कम से कम मिल जाएगा, और यह मिल भी गया राजकोट में। और गांधी लिखते हैं कि लगभग 300 रुपया पर मंथ में कमा लेता था, लेकिन जो जुडिशियरी में भी इन्होंने करप्शन देखा। एक तो जो मुकदमे इनके पास लाए जाते थे, जो दलाल होते थे, उनको घूस देने पड़ती थी, और यह इनके मूल्यों के खिलाफ था, तो गांधी खुश नहीं थे। सौभाग्य से क्या हुआ कि एक अब्दुल करीम थे, अब्दुल करीम पोरबंदर, ये मेमन जो फर्म थी
उसके साझेदार थे, और इनका एक संदेशा आता है कि इनके जो साझेदार हैं शेख अब्दुल्ला, जो कहाँ रहते हैं, जो दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं, उनका एक मुकदमा है, और मुकदमा इनके एक रिश्तेदार तैयब जी से था, हाजी तैयब मोहम्मद से। तो ये इनके रिलेटिव थे, लेकिन होता है ना रिश्तेदारों में भी झगड़े होते हैं, और यह मुकदमा छोटा बड़ा नहीं, छोटा मोटा नहीं, बल्कि 40,000 pounds का था, 40,000 pounds का। इसमें असिस्ट करने के लिए गांधी को भेजने की बात थी। ध्यान रखिए, ये मेन वकील के रूप में नहीं जा रहे थे, बल्कि उस मुकदमे में सहयोग करने के लिए जा रहे थे, और मुख्य बात यह थी ये शेख अब्दुल्ला के पक्ष को, यानी मेमन फर्म का जो पक्ष था उसको समझा सके ठीक से उनके वकीलों को, जो कि बेसिकली क्या थे, ब्रिटिश थे, और इनको उतनी अंग्रेजी नहीं आती थी। तो मेन काम गांधी का ये था कि उस मुकदमे में सहायता करना। इसके बदले में उन्होंने कहा कि हम आपको फर्स्ट क्लास का टिकट देंगे, हम आपको फ्री रहने के लिए देंगे, फ्री खाना देंगे, और 108 pounds आपको हम फीस भी देंगे। एक प्रकार से नौकरी थी ये, वकालत कम थी, नौकरी ज्यादा थी। लेकिन गांधी को जाना था, तो गांधी निकलते हैं और 1893 में ये पहुंच जाते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। इस साउथ अफ्रीका में ये सबसे पहले डरबन पहुंचते हैं, और वहां 4-5 days रहने के बाद इनको यह तय होता है कि आप प्रिटोरिया जाइए, जहां की मुकदमा चल रहा था। इस डरबन और प्रिटोरिया के रास्ते में ही वह स्थान पड़ता है, वह स्टेशन पड़ता है मरिसबर्ग, जहां पे वह घटना घटी थी। घटना क्या थी आप जानते हैं, मैं बस दोहरा रहा हूं कि ये फर्स्ट क्लास के डिब्बे में इनका टिकट था, ये बैठे, और जब यहां 9 o'clock रात में, गांधी लिखते हैं कि 9 o'clock रात में ट्रेन वहां पहुंची, तो इस मरिसबर्ग स्टेशन पे एक अंग्रेज इस डिब्बे में आया, आया इनको देखा, तो गांधी जी तो इंडियन, वहां क्या कहा जाता था इनको, इंडियंस को कुली कहा जाता था या सामी कहा जाता था, तो गांधी भी वहां जा करके कुली बैरिस्टर कहलाए, ये बहुत अपमानजनक था, लेकिन ये अंग्रेजों का अप्रोच था जिसको गांधी ने सहा, ये रंग भेद सहा, लेकिन सबसे विकट रूप उन्होंने यहां मरिसबर्ग में सहा। फिर वो जाता है, एक पुलिस वाले को बुला कर लाता है, पुलिस वाला कहता है कि आप उतर जाओ, नहीं तो आपको धक्के मार करके उतार दिया जाएगा। गांधी तो गांधी थे, जिद्दी तो थे, इन्होंने कहा कि मैं अपने से तो नहीं उतरूंगा, धक्के मारकर भले उतार दो। तो अंग्रेज, तो अंग्रेज, उन्होंने कहा ठीक है, धक्के मार करके इनको उतार दिया, इनका सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया, और रात भर उस ठंड की रात में ये कांपते रहे, लेकिन इन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला जिसमें इनका ओवरकोट था। और सुबह होते होते इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने कहा दो रास्ते हैं, एक तो ये कि मैं इस अपमान, इस अत्याचार से डर करके भग जाऊं, या फिर मैं इसका सामना करूं। गांधी ने दूसरा रास्ता चुना, और फिर एक डिसीजन के साथ ये आगे बढ़ते हैं। सुबह एक ट्रेन आती है, और वहां से ये चार्ल्स टाउन के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि प्रिटोरिया के लिए सीधे ट्रेन नहीं थी, और अंततः ये प्रिटोरिया पहुंच जाते हैं। प्रिटोरिया पहुंचने के बाद जब ये तैयब जी से मिलते हैं, तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव ये था कि ये जो कोर्ट कचहरी है इसके पीछे मत पड़ो, और इसकी अनुमति इन्होंने शेख अब्दुल्ला से डरबन में ही ले ली थी। शेख अब्दुल्ला को विश्वास नहीं था कि उनका जो रिश्तेदार है तैयब जी वो मान जाएंगे, लेकिन वे मान गए। पंच निर्णय के लिए पंच नियुक्त हुए, मुकदमा चला, दोनों पक्षों को सुना गया, और
इसमें शेख अब्दुल्ला अपना मुकदमा जीत गए और इस मुकदमे के अनुसार $37,000 और प्लस मुकदमे का खर्च जो कि £40,000 तक पहुंचता था, इसको तय हुआ कि तैयब जी शेख अब्दुल्ला को देंगे। लेकिन अब इतनी बड़ी रकम £40,000 जो आज की डेट में 40 करोड़ रुपए है, तो गांधी ने यहां अपनी व्यवहारिक बुद्धि लगाई और शेख अब्दुल्ला को इस बात के लिए तय किया कि नहीं, आप इस पेमेंट के लिए समय ज्यादा दे दीजिए ताकि धीरे धीरे आपका पेमेंट हो जाए। शेख अब्दुल्ला मान गए क्योंकि वो मुकदमा जीत गए थे और दोनों पक्ष खुश हो गया और गांधी एक प्रकार से इस अपने पहले मुकदमे में विजय हुए। लेकिन ध्यान रखिए कि यह कोर्ट में नहीं हुआ बल्कि यह निर्णय हुआ पंच निर्णय के द्वारा। उसके बाद गांधी को लौटना था, गांधी ने कहा कि अब मैं लौटना चाहता हूं। लेकिन उसी वक्त जब इनके विदाई की तैयारी हो रही थी और शेख अब्दुल्ला ने एक सभा रखी, उस सभा में ही इंडियन फ्रेंचाइज को लेकर के विवाद, एक बिल आ रहा था साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट में, वहां की असेंबली में, कि जो इंडियंस हैं उनको मताधिकार से वंचित किया जाए, तो इस चीज पे बहस हो रही थी। अब गांधी जी की सफलता के बाद यह कहा जाने लगा, लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा रुक जाइए और इस मसले को भी हल करके जाइए, कुछ इसके लिए कीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे हम लोग करेंगे। तो गांधी रुकने का प्रोग्राम करते हैं, रुकने की बात थी 1 महीने, लेकिन आप जानते हैं गांधी रुके 1914 तक। तो आगे क्या होता है आइए हम उसको देखते हैं। लोगों के आग्रह के साथ साथ गांधी का भी अपना ओपिनियन ये था कि यहाँ जो रंग भेद है, जो गोरे और कालों का भेद है, और स्पेशली जो हिंदुस्तानियों के साथ ये अपमानजनक व्यवहार करते हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। और इसलिए जब ये रुके तो इन्होंने उसको एक संगठित रूप देने का प्रयास किया और 1894 में इन्होंने एक संगठन स्थापित किया जिसको कहते हैं नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस। इस नेटाल इंडियन कांग्रेस के बैनर तले जो इंडियन फ्रेंचाइज वाला बिल हो रहा था उसका विरोध किया गया। बाद में जो हिंदुस्तानी थे उनके ऊपर, जो गिरमिटिया मजदूर थे उनके ऊपर 25 पाउंड का पेनाल्टी लगाने का एक कानून बना था यदि 5 साल बाद वे एग्रीमेंट दोबारा नहीं करते। यहां जान जाइए यह जो गिरमिट है, यह शब्द जो गिरमिट है, यह एक्चुअली एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप है। चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, मजदूर थे, तो एग्रीमेंट क्या हो गया, गिरमिट हो गया। यानी 5 साल का जो एग्रीमेंट होता था मजदूरों को कि आपको करना है, उसके बाद आप फ्री हैं अगले एग्रीमेंट में आने या नहीं आने के लिए, तो यह गिरमिट हो गया और जो मजदूर हुए गिरमिटिया मजदूर कहला। तो उनपे 25 पाउंड का पेनाल्टी लगनी थी, टैक्स लगना था यदि वे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं और घर भी वापस नहीं लौटते। गांधी और नेटाल कांग्रेस ने उसका विरोध किया, वह पूरी तरह से नहीं हटा, लेकिन जो 25 पाउंड था वह 3 पाउंड हो गया और यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। फिर 1896 में गांधी भारत आते हैं 6 महीने के लिए और इस बार जब लौटते हैं तो सब परिवार लौटते हैं। कस्तूरबा भी उनके साथ जाती हैं, इनका भांजा भी इनके साथ जाता है और जो इनके 2 पुत्र हैं हरिलाल और मणिलाल वे भी जाते हैं और बाद के जो 3rd और 4th नंबर के पुत्र हैं उनका जन्म वही होता है। तो 1896 में सब परिवार वहां चले जाते हैं। 1901 में ये फिर भारत आते हैं और भारत आकर के ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसकी बैठक जो हो रही थी कलकत्ता में उसमें ये भाग लेते हैं और वहां पे ये पहली बार तिलक से मिलते हैं और न केवल तिलक से मिलते हैं बल्कि नेटाल में रहने वाले जो भारतीय हैं उनके संबंधित एक प्रस्ताव भी गांधी रखते हैं जिसको सर्वसम्मत से पास किया जाता है। 1904 में ये वहीं साउथ अफ्रीका में फोनिक्स आश्रम स्थापित करते हैं। 1906 में इन्होंने
ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। 1909 में जब ये इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिंद स्वराज। और 1910 में इन्होंने दूसरा फार्म स्थापित किया कालस्टार फार्म कालस्टार। और ये भारतीयों के लिए वहां लड़ाई लड़ते रहे। अंत में 1914 में जो इंडियन रिलीफ एक्ट पारित हुआ और जो भेदभाव था वह पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ लेकिन वह काफी मात्रा में कम हो गया और एक प्रकार से गांधी विजय के रूप में वहां स्थापित हुए। यह 14 की बात है। और आप जानते हैं कि जैसे ही सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ गांधी भारत आते हैं और जनवरी 1915 में ये पहुंच जाते हैं भारत और यहां से इनका भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है। तो आइए हम अब भारतीय राजनीति में गांधी को देखते हैं। 1915 में गांधी भारत आते हैं। अभी गोखले जिंदा हैं जो इनके राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने सलाह दी कि सीधे पॉलिटिक्स में आने से पहले देश में घूमो और देश के हालात के बारे में जानकारी हासिल करो। फरवरी में उनकी डेथ हो जाती है गोखले की, लेकिन गांधी साल भर यात्रा करते रहते हैं। और उसके बाद 1916 में सबसे पहले साबरमती आश्रम स्थापित करते हैं और शुरू में इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम लेकिन आज इसे हम साबरमती आश्रम के रूप में जानते हैं। इसी साल यानी 1916 में जब लखनऊ सम्मेलन हो रहा था कांग्रेस का तो उसमें गांधी जाते हैं। लेकिन यह युग अभी तिलक का है, लाला लाजपत राय का है। गांधी बहुत प्रभावी नहीं है 1916 में, लेकिन इनके भाग्य में एक घटना घटती है और वह घटना यह है कि राजकुमार शुक्ल करके एक किसान आता है चंपारण से, जो आग्रह करता है कि आप चंपारण आइए, वहां के जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उनकी हालत बहुत खराब है, उनके बारे में आप कुछ कीजिए। तो गांधी 1917 में जाते हैं कहां, चंपारण। और चंपारण में जो 3 कठिया नील की खेती का प्रावधान था उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं चंपारण सत्याग्रह पे। मेरा एक पूरा वीडियो है, आप देख लेना। तो और इसमें ये सफल होते हैं, 3 कठिया कानून खत्म हो जाता है और ये गांधी की भारत में पहली बड़ी सफलता थी। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में यहां भी बोनस की बात की और ये मजदूरों को 35% एक्स्ट्रा बोनस दिलवाने में सफल हुए। उसके बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ किसानों का और उसमें 23% जो टैक्स बढ़ाया गया था उसको इन्होंने एबॉलिश करा दिया और इसमें पहली बार सरदार पटेल इनके सहायक बनते हैं। इस पूरे प्रसंग में आपको एक चीज और याद करनी चाहिए कि ये 1914 से 18 का जो पीरियड है वह है फर्स्ट वर्ल्ड। इस पीरियड में महात्मा गांधी अंग्रेजों का साथ देते हैं और साथ ही नहीं देते हैं बल्कि भारतीयों को ये कहते हैं कि युवकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होनी चाहिए। इसके लिए गांधी की बहुत आलोचना की जाती है। उनको ब्रिटिश एजेंट तक कहा गया, उन्हें ब्रिटिश सर्जेंट तक कहा गया कि ये भर्ती करा रहे हैं। लेकिन गांधी की सोच ये थी कि हम ब्रिटिश नागरिक हैं, उसके राज्य में रह रहे हैं, अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं तो हमें अपने कर्तव्य भी निभाने होंगे। तो ये सहयोगी हैं 1914 से 18 के बीच, या कह सकते हैं कि 18, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी जब बोअर युद्ध हुआ इन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का, जब जुलू विद्रोह हुआ इन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी साथ दिया इन्होंने अंग्रेजों का। लेकिन 1919 में एक एक्ट आता है रोलेट एक्ट, या इसको रोलेट एक्ट बोलते हैं,
यह सिक्योरिटी के लिए था और इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति पे बिना कोई मुकदमा लगाए उसको जेल में रखा जा सकता है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। और इसके विरोध में पूरे देश में गांधी ने आह्वान किया सभाओं का, और आप जानते हैं 13 अप्रैल की वह तारीख थी 1919 जब क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, निहत्थे लोगों को, हजारों लोगों को मरवा दिया। ये अलग बात है कि इसका बदला उधम सिंह ने जनरल डायर को मार करके लिया। इसके बाद जो मेजर चीज घटती है वह है 1920 का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, अब तक तिलक की डेथ हो गई थी। इसके लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था वह हुआ था सितंबर 20 में, जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उसमें यह असहयोग आंदोलन पारित हुआ। यद्यपि खुद लाला लाजपत राय इसके विरोधी थे, जिन्ना ने भी विरोध किया, एनी बेसेंट ने भी विरोध किया, लेकिन बहुमत से फैसला होता था तो 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन चला भी, गांधी को यह लग रहा था कि एक साल में हमको स्वराज मिल जाएगा, लेकिन 4 फरवरी को एक घटना घट गई, 4 फरवरी 1922 को, और यह घटना थी चौरी चौरा। चौरी चौरा जो कि यूपी के गोरखपुर के पास एक छोटी सी जगह थी, वहां पे जनता ने पुलिस चौकी को घेर करके आग लगा दी जिसमें 22 सिपाही जलकर मर गए। और महात्मा गांधी जो कि अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसका विरोध मोतीलाल नेहरू ने किया, इसका विरोध सी आर दास ने किया, इसका विरोध जवाहरलाल नेहरू जिसको जिनको ये अपना उत्तराधिकारी मानते थे उन्होंने किया, और सुभाष चंद्र बोस ने तो इसको राष्ट्रीय दुर्भाग्य घोषित किया, क्योंकि जब उत्साह और ऊर्जा अपने चरम पर थी ठीक उसी समय चौरी चौरा कांड के बाद उस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो बहुत विरोध हुआ और कांग्रेस में ही एक गुट ऐसा आया जिसने गांधी को यहां से साइडलाइन करने की कोशिश की, और उसी प्रयास में 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का गठन होता है, और इसको गठन करने वाले हैं मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, विट्ठल भाई, और इनको पर्याप्त सफलता भी मिलती है। जो अगले चुनाव होते हैं इसमें 45 सीटें मिलती है 145 में से सेंट्रल असेंबली में, और विट्ठल भाई स्पीकर बनते हैं। तो गांधी की योजना जो असहयोग थी कि नहीं कहीं सहयोग नहीं करना है, स्वराज दल ने अंदर जाकर के असेंबली में अंदर जाकर के अंग्रेजों का विरोध की पॉलिसी अपनाई और वे सफल हुए। तो ये था 1923 तक गांधी का अपना अप्रोच। इसके बाद एक लंबा समय एक प्रकार से खामोशी में जाता है, और एक मेजर घटना घटती है 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को भी साबरमती से, और खत्म हुआ ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी में, जहां की एक मुट्ठी नमक उठा करके गांधी ने नमक कानून को तोड़ा, और ये एक बहुत बड़ी सफलता थी महात्मा गांधी। उधर दूसरी तरफ अंग्रेज को सुधार लाना चाहते थे, 1935 का अधिनियम आने वाला था, और इसके लिए उन्होंने गोलमेज आंदोलन शुरू किया, राउंड टेबल जिसको बोलते हैं। पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वह सितंबर 1930 में हुई जिसमें कांग्रेस नहीं गई, लेकिन अंग्रेजों को एक चीज लग गया कि जिसमें कांग्रेस नहीं होगी उस समझौते का कोई मतलब नहीं है। तो कांग्रेस को इंक्लूड करने के लिए 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट, यह समझौता होता है जिसके बाद कांग्रेस दूसरे
सम्मेलन में जो कि सितंबर 1931 में होता है उसमें भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज का जिक्र कर दूं कि आप जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह को, जो पहले 24 तारीख थी उन्होंने 12-14 घंटे पहले करके 23 की शाम को दे दिया। गांधी की एक आलोचना यह होती है कि गांधी इरविन पैक्ट में कहीं भगत सिंह की फांसी को टालने, उनके सजा को कम करने या माफ करने की कोई चर्चा नहीं हुई, तो ये गांधी पे बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन इस समझौते के बाद वे दूसरे सम्मेलन में गए, यद्यपि गांधी की बात को ज्यादा सुना नहीं गया क्योंकि जिन्ना और अंबेडकर दोनों जो कम्युनल राइट्स थे मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए उस पे अड़े हुए थे। और इस प्रकार जो दिसंबर 1932 का सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद जो कम्युनल लिबार्ड था, कम्युनल लिबार्ड वह घोषित हो गया 1932 में, जिसमें दलितों के लिए जो एक जिसमें दलितों के लिए 71 सीट रिजर्व की गई और पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया, वैसे ही जैसे मुसलमानों का था, यानी दलितों को केवल दलित चुनेंगे। जब ये बात गांधी के पास आई यह सूचना, तो उन्होंने इसके खिलाफ अनशन किया और अंत में क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट हुआ 1932 में अंबेडकर के साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। इसमें ये जो 71 सीटें थी इसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया, लेकिन जो पृथक निर्वाचन का अधिकार था दलितों को वह समाप्त कर दिया गया। और अंबेडकर न चाहते हुए भी इस चीज को स्वीकार करना पड़ा उनको, क्योंकि गांधी ने आमरण अनशन कर दिया था। इसके बाद फिर सविनय अवज्ञा होता रहा, स्थगित होता रहा। लेकिन इस बीच एक घटना घटती है कि अक्टूबर 1934 में गांधी ने कांग्रेस से, आईएनसी से अपने को पूरी तरीके से अलग कर दिया, और ये छुआछूत को दूर करने, साफ सफाई, हरजन उद्धार, इस सब कार्यों में ये लग गए। इसके बाद आप जानते हैं जो मेजर घटना घटती है वह है 8 अगस्त 1942, जब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गांधी ने दिया, और यह आखिरी आंदोलन था, सबसे बड़ा आंदोलन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आप जानते हैं कि ब्रिटेन विजयी हुआ लेकिन बहुत कमजोर हो गया था, आजादी तय थी। और अंततः 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, लेकिन आजादी के कुछ ही दिन बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कर दी गई दिल्ली में नाथुराम गोडसे के द्वारा। तो यह था महात्मा गांधी की पूरी लाइफ संक्षेप में, घटनाक्रम है, इसको हम अलग अलग फिर दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।